हेलो, इन दिस वीडियो हम देखेंगे राइटिंग रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर द स्ट्रिंग्स दैट स्टार्ट विथ ए एंड एंड विथ बी ओवर द अल्फाबेट ए कॉमा बी। मतलब यहाँ पे कंपलसरी आपका स्ट्रिंग हैज टू स्टार्ट विथ द ए एंड इट हैज टू एंड विथ द बी, और बीच में आ सकता है एनी कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी। तो मैंने अपना आंसर लिखना स्टार्ट किया स्टार्टिंग में ए, बीच में एनी कॉम्बिनेशन ऑफ एज एंड बीज, और लास्ट में आएगा बी। कंपलसरी क्वेश्चन में बोला था द स्ट्रिंग हैज टू स्टार्ट विद द ए, तो मैंने यहाँ पे लिखा ए एंड एंड मतलब लास्ट में बी, और बीच में आ सकता है एनी कॉम्बिनेशन ऑफ एज एंड बीज। आफ्टर आर हमें एल आर भी लिखना चाहिए क्योंकि आर मतलब रेगुलर एक्सप्रेशन, एल आर मतलब रेगुलर लैंग्वेज। तो यहाँ से मिनिमम आपको ए मिलेगा, यहाँ से एप्सिलॉन, यहाँ से बी। तो अगर आप इन सबको कॉन्कैट करोगे तो आपको मिलेगा ए एप्सिलॉन बी विच इज नथिंग बट ए बी। सिमिलरली यहाँ से आपको मिलेगा ए ए बी, ए बी बी, एंड दैट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन। सभी में एक बात कॉमन है, ऑल ऑफ देम आर स्टार्टिंग विद द ए एंड दे आर एंडिंग विद द बी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।